अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाटर कलर पेंटिंग। आज जो मैं पेंटिंग बनाने लगी हूँ ये एक लैम्प की पेंटिंग है और ये एक मिनी पेंटिंग है। तो चलो हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा कोल्ड प्रेस पेपर और 2 राउंड टिप ब्रशेस। इसके बाद वाटर कलर जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये पेलिकन के हैं। और आज की पेंटिंग के लिए हमें जो शेड्स चाहिए होंगे उसमें सबसे पहले आएगा ब्लैक, येलो ऑकर, येलो मैजेंडा या फिर पिंक भी कहते हैं इसको, और बर्न सियाना यानी डार्क ब्राउन और ग्रीन ब्लू। सबसे पहले हम इसकी करेंगे स्केचिंग। वेट ऑन वेट टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने पूरे पेपर के ऊपर हम वाटर अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। पेंटिंग के बैकग्राउंड के लिए हमें चाहिए होगा कलर ग्रे। तो ग्रे कलर बनाने के लिए मैंने ब्लैक में थोड़ा सा वाटर ऐड किया है और उसके बाद अपने पूरे पेपर के ऊपर मैंने ये पेंट कर दिया। इसके बाद ब्रिक्स को पेंट करने के लिए मैंने पहले वाले ग्रे में थोड़ा सा ब्लैक और डाला ताकि ये थोड़ा सा और पिगमेंटेड हो जाए और प्रोमिनेंट हो जाए ग्रे के ऊपर, मतलब डार्क ग्रे शेड। लैम्प के अंदर जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो येलो है और ये थोड़ा सा बाहर भी हम दिखाएंगे क्योंकि एक ये इसका शेडो बन रहा है उस तरह का इफेक्ट देने के लिए। इसके बाद लैम्प के अंदर येलो में हमने हल्का सा वर्मिलियन ऐड करना है इसकी शेडिंग के लिए। उसके बाद ये नीचे का जो पॉट है इसमें हमने करना है ब्राउन कलर और एक लेयर अप्लाई करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगी तो हमने दूसरी लेयर अप्लाई करनी है और उसमें थोड़ा सा ब्लैक शेड ऐड करके, मतलब वो डार्क ब्राउन बन जाएगा और उसके बाद डार्क ब्राउन की लेयर हमने ऐड कर देनी है। पॉट के अंदर हमने बनाने हैं फ्लावर्स और लीव्स। तो लीव्स के लिए येलो और ग्रीन मिक्स करेंगे और इनसे अपने लीव्स बनाएंगे। और फ्लावर्स के लिए मैं 2 शेड यूज करूंगी, पिंक और वर्मिलियन। लैम्प का जो अपर पोर्शन है ये भी हमने ब्राउन से फिल करना है सारा। और उसकी बाउंड्रीज जो है वो डार्क ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके हम इसकी आउटलाइन या बाउंड्रीज हल्की हल्की करेंगे। पेंटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसकी बस हल्के हल्के डिटेल्स के लिए मैंने वाइट जेल पेन यूज़ की है। और फाइनली हमारी लैम्प की सिंपल सी मिनी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।